आज जो हम यहाँ पर सब लोग एकत्रित हो रहे हैं, ये एक नई शुरुआत है। 1 जुलाई 2024 हमें याद रहेगा, क्योंकि ये जो कानून हम बदले जा रहे हैं, इनमें बहुत सारे प्राविधान 19वीं शताब्दी के हैं, 1860 के, 1872 के। सीआरपीसी में कुछ चेंजेस 1973 में हुए थे, बट उसको भी चेंज करते हुए जो अब नए परिपेक्ष में जो कानून इस देश में होने चाहिए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो कानून आज इंप्लीमेंट हो रहे हैं और इंप्लीमेंट हो गए हैं रात्रि से। और नई एफआईआर भी उन नए सेक्शंस में, नए कानूनों में दर्ज होनी शुरू हो गई है। आप जानते होंगे कि ये जो पूर्व में कानून बने थे, ये जैसा कि मेरे अभी साथी अधिकारी ने बताया कि ब्रिटिश टाइम के थे, और ये उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, मान लीजिए किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में जो कानून बनते हैं, वो वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ पे किस तरह के मुद्दे आते हैं, उनको कैसे डील करना है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के वो कानून बनाए जाते हैं। उस समय ये कानून एक तरह से तो ब्रिटिश राज के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे कि वो राज चलता रहे। अब हम एक दूसरे परिपेक्ष में है, दूसरे समय में है, दूसरे टाइम में है, जहाँ पर ये चेंजेस होने की बहुत आवश्यकता थी और फाइनली ये चेंजेस किए गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये चेंजेस फाइनल है कि आगे नहीं, ये एक डायनामिक प्रोसेस है जो आगे भी फॉलो होता रहना चाहिए। पूर्व में भी अमेंडमेंट्स होती रही, जो एग्जिस्टिंग लॉज है उनमें होती रही, बट ये जो नए हैं उन सब चीज़ों को जो आज की डेट में आवश्यक है उनको इनकॉर्पोरेट करके बना लिया गया है। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि हम बढ़ते रहेंगे, नई चीज़ें देखते रहेंगे और उस हिसाब से जनता को न्याय मिल सके, ये उस दिशा में कार्रवाई बढ़ती रहेगी। ये जो लॉज हैं इसमें जो अवधारणा है वो पहले से थोड़ी डिफरेंट कर दी गई है। पहले उद्देश्य होता था दंड देने का, अभी भी क्राइम होगा तो दंड तो उसके साथ रहेगा, परंतु मेन फोकस आधार था दंड देने का। अब मेन फोकस है कि सुधार कर सके, न्याय दे सके। और उसमें भी जैसे कि अभी एसीपी साहब ने भी बताया कि कैसे कम्युनिटी सर्विस को भी इंक्लूड किया गया है, तो कुल मिला के ये है कि हम दंड को अपना बेसिस ना मानकर हम न्याय को, जस्टिस दिलाना अपना आधार बनाए। और इसमें नए कानून में न्याय को, समानता को, निष्पक्षता को, इसको हाईलाइट किया गया। ये हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे जिनके आधार पे ये कानून बनाए गए हैं और इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। जहां तक चेंजेस की बात है, आवश्यक है कि सबको उस चीज की जानकारी हो। मैं समझता हूँ कि धाराएं तो भी जो पुलिस के भी कर्मचारी अधिकारी होंगे सारे उन धाराओं को नहीं जानते होंगे, पर जो मुख्य चीजें हैं, जो जनता को, जनता आती है कि मेरा ये मुकदमा था इसमें कार्रवाई नहीं हुई, वो चेंजेस धीरे धीरे से जनता तक पहुंचाने आवश्यक हैं, जिसकी आज एक शुरुआत है कि आप लोग भी इसमें हिस्सेदार बनेंगे और इसको आगे पहुंचाएंगे। अब 302 हत्या की बात करते थे, वो 103 हो गया, चोरी 379 सबको मालूम होता था, वो 303 हो गई, बलात्कार 376 कहते थे, 64 हो गया। तो ये धीरे धीरे सब लोगों को इसकी जानकारी होगी, बट खासियत क्या है, किस तरह से अब न्याय प्रणाली में चेंज लाना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो मुख्य तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको पब्लिक सेंट्रिक करने के लिए बनाया गया, पीपल सेंट्रिक करने के लिए, कि जनता जो है उनके हितों को ध्यान में रखा जाए। बहुत सारी प्रोविजन उस हिसाब से डाली गई है कि जनता को सुविधाजनक हो। अब जैसे एफआईआर लेने से ही, हम एफआईआर दर्ज करने की बात से ही अगर शुरुआत करते हैं, जीरो एफआईआर कई क्षेत्रों में पहले भी होता था, कई डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स में, बट वो एट डिस्क्रिशन हो जाता था। अब उसको लॉ में मैंडेटरी कर दिया गया, जीरो एफआईआर। अगर कहीं और के क्षेत्र में कोई घटना हुई है, आप उस क्षेत्र में नहीं पहुंच सकते हैं किसी कारणवश, तो आप स्थानीय थाना पे जाके भी एक जीरो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, जो फिर वहां पर ट्रांसफर होके वहां पर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। EFIR को भी मैंडेटरी कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में FIR। जरूरी नहीं है कि थाने पे पहुंचकर फिजिकली प्रेजेंट होकर आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं और FIR दर्ज हो, EFIR के रूप में भी दर्ज किया जा सकता है। FIR की फ्री कॉपी को भी देना मैंडेटरी कर दिया गया। जैसे कि बताया कि इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो पब्लिक को ट्रांसपेरेंसी रहे, पता रहे कि इन्वेस्टिगेशन में हुआ क्या है। अभी लोग आते हैं, जानते हैं कि भाई हमने FIR दर्ज कराई थी, हमें नहीं मालूम है क्या है। तो ऑफिसर्स हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छा हमारे पास भी कोई आता है तो हम थाने से पता करके बताते हैं कि इसमें क्या हुआ, अपने ऑफिसर से बात करके बताते हैं, हो सकता है इंपॉर्टेंट केसेस हो, हमें जानकारी हो, हम उसमें बताते क्या हो। बट नाउ इट इज मैंडेटरी कि जो विक्टिम है, कंप्लेनेंट है, उसको
प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता हो। और ट्रांसपेरेंसी का एक और लेवल ये भी है कि ट्रायल चल रहा है, ट्रायल में मुकदमे को किसी वजह से वापस लिया जा रहा है, विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन जो होता था कुछ केसेस में, कुछ मापदंड जो वो केसेस पूरा करते थे और कुछ सर्कमस्टांसेस में, उनमें भी विक्टिम जो है, जो कंप्लेनेंट जो है, उसको बिना सुने कोर्ट को वो डिसीजन नहीं लेना। तो ये ट्रांसपेरेंसी इसमें है कि विक्टिम को सुना जाए, कंप्लेनेंट को सुना जाए, उसकी बात सुनने के बाद ही ये निर्णय लिया जाए कि ये प्रोसिक्यूशन विड्रॉल के लायक केस है कि नहीं। इसके साथ साथ और सुगम बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पे भी फोकस किया गया है, जिससे स्पीडी जस्टिस मिल सके, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो चाहे वो ट्रायल के दौरान की बात हो। इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, जैसे कि मेरे साथी अधिकारीगण ने बताया, आप एविडेंसेस जो रिकॉर्ड कर सकते हो, जो स्टेटमेंट्स आपने रिकॉर्ड करनी है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड कर सकते हो, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग हो सकती है, जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं इन्वेस्टिगेशन में सम्मिलित करने हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। ये व्यवस्थाएं भी उसमें की गई हैं, जो टाइप हो सकती है फॉर्म, ई बयान लेने की व्यवस्था है, इलेक्ट्रॉनिक बयान, इलेक्ट्रॉनिक अपीयरेंस, आपके जो ट्रायल्स चल रहे हैं उसमें जो अपीयरेंस है, जरूरी नहीं है कि फिजिकल अपीयरेंस हो, कोर्ट में जाके एक व्यवस्था बनाई जाएगी।